तो नमस्कार भाई, मैं फिर से आ गया आप लोगों के बीच एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी का दबा दो, और जो आदमी पहले कर चुका है वो लाइक कर दो। हाँ, आज की वीडियो होने वाली है, तो कान में हेडफोन लगा लेना। आज की वीडियो होने वाली है, बाकी तो थंबनेल पर देख ही लिया, वो थंबनेल पर कहा है, समझ रहे ना? तो बूढ़े की जवानी आ रही, देखें ये ना। तो देखिए, बिना किसी बकचोदी के पहली में ये हमारे बुढ़ऊ शादी करने जा रही है 60-70 के उम्र में। तो दुल्हन की लगे जवान से प्यास, बुझाने चली निकली वहीं से स्वास्थ्य। तो देखिए, शुरुआत करने जा रहे हैं हम बिना किसी बकचोदी के। स्टेज पर देखिए क्या हो रही है, स्टेज कहाँ के लिए, हाँ जो भी कुछ भी हो। तो देखिए देख लिया, बुढ़ाओ को इतना नहीं पता है। एक जवान माल लेके पास में घूम रहे हो, मान के जब घूम कहाँ रहे, शादी कर रहे हो, उस शादी कर कम से कम उस पर ध्यान दो। कहा गया है अगर नीक मिठाई हो, मक्खी भी क्या चूहा भी आके चोरा लेता है, तो तुम्हारा तो समझ रहे हो, समझ जो मिल रहा है। तो पीछे देखा, ध्यान नहीं दिया, तो देखा आया उसका प्रेमी, मांग टीका, चलो आ तुम सुहागरात क्या चीज से मनाओगे मालूम है ना? खटिया से, क्योंकि तुम्हारे लायक खटिया ही सही है, उसी में छेद कर। अरे जिस तरह मान के चले बुढ़ापे में जाकर शादी कर रखा है, उसको मान मानेगा, हो गया उसका काम। तो अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हुए देखिए, अगली वीडियो में वीडियो बनाने का आसान तरीका देखिए क्या कर रही है भाई साहब। देख लिया कैसे वीडियो बना रहा है, मोबाइल धर दिया और पीछे जैसे गया वैसे भैंस से लगा, अनाज चोर से लगा। वीडियो भी बनाने गया ऐसा जगह पे कि भैंस बिल्कुल ही ना गिरने के तो कतई नहीं चांस है। देखा भैंस के पीछे गया, वो उठ गया, वो गांव में तैर गया, गांव साला फट गया। अगर माना लाद नहीं डाला नहीं तो सीधा ऊपर की टिकट काटता, अगर कहीं बीच में लाद डाल देता तो, समझ रहे ना? तो हर वीडियो गांव धक निकलता था, हाँ तब तो हर वीडियो पता पता चलता था कैसा वीडियो होता है, समझ रहे ना? तो अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हुए देखिए, अगली वीडियो में कोई जैसा लगता है बापे के बराती में जा रही है। हाँ तो देखिए, एक ही गाड़ी पर जबकि जितना जगह होना चाहिए ना, जगह के हिसाब से बैठना चाहिए ना। अब देखिए क्या कर रहा है, देख लिया जैसे गाड़ी खुला वैसे धड़ाक से नीचे, यानी कि जो बराती में जा रहा था और जो गिरा उसको चोट लगा, तो बराती में तो जरूर गया होगा, लेकिन बराती का स्वागत कैसे हुआ होगा, बैंडेज और पट्टी मार के, यानी कि हॉस्पिटल का दर्शन दिया होगा। साले तो जितना आता उतना ही बैठो, जबरदस्ती मत चढ़ो, समझ रहे ना? तो अगली वीडियो को तो बढ़ते हुए देखिए, अगली वीडियो में आजकल रावण भी इंजॉय कर रही है, समझ रहे ना? आज की वीडियो में रावण भी इंजॉय कर रही है, वो भी धमाकेदार। ओ देखिए आइटम सॉन्ग हो रही है, विश्वास नहीं है तो देख लो। देख लिया आइटम सॉन्ग, कभी रामलीला में देखे हो आइटम सॉन्ग? अरे रावण का भी दिल है, रावण रावण का भी, हाँ नहीं बोलना बोलना चाह रहा था, नहीं बोला, बाकी आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या है उसका भी जो मन हो रहा है। तो उसका भी आइटम सॉन्ग लौंडिया नचाने के दिल करता है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होता है, सिर्फ हम ही लोग थोड़ी ना होता है, उसका भी होता है, वो तो और बहुत बड़े राज। तो देखिए बिजली गिरानी मैं हूँ या रावण के सेना पूरा बिजली उठाने में लगा पड़ी है, समझ रहे ना? तो ऐसे ऐसे रामलीला भी चालू हो गया है, समझ? तो ऐसे ऐसे रामलीला से बच के रहो, जब रामायण का वजह कुछ और ही दिखा देगा। तो अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हुए देखिए, अगली वीडियो में एक हमारे चचा जी क्या क्या भयंकर उतरता है, उतरने का तरीका तो देखो आपको भी हंसी नहीं लगेगा बिल्कुल, देख लो। देख लिया, एक खारी से दो खारी सही चला, तीसरी में तो बस डायरेक्ट नीचे आ गया, खड़ा ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हाँ ऐसे में एंजॉय में खड़ा हो गया
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्या नहीं बोले कि पीछे से एक आदमी देख ही लिया, मेरे को डाउट है जैसे कि देख लिया, समझ रहे हैं। बेइज्जती तैयार हो चाहिए, और चोट जहाँ जहाँ लगा होता तुम्हें ही मालूम पर भले दूसरा के नहीं दिखा सकते, अंदर अंदर तो पता चल रहा होगा कितना भयंकर लगा है, डायरेक्टर नीचे आया है। अगली वीडियो को तब बढ़ते हुए देखिए, अगले वीडियो में तो देखिए, और इसका भी देखिए, हमारे चाचा जी का जो हम पोस्टर पर बोला है, थंबनेल पर बोला है, मैं वो थंबनेल पर जो लिखा है चाचा की जवानी आ रही बुढ़क है, तो देखिए क्या नंग क्या डांस है, आ हा हा हा, देखिए। देख लिया डांस, क्या भयंकर कूद रही है, आ हा हा हा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओ चाचा जी जा संभाल के, कमर में चक जाइए तो चल जाइए, न वही खटाई पर लेटे रहोगे, यानी कि एक पैर तो कवर में, एक पैर एक पैर कवर में, एक पैर कहाँ होता है, ठीक है, एक पैर जमीन पे, एक पैर कवर में है। हाँ आपसे लगता है मैं सही से बोल दिया, तो हाँ इसलिए थोड़ा डांस कर लेकिन संभाल के। अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हुए देखिए, हम इन लोग के जितना हमारे चाचा जी है, जितना जो हमको हमने दिखाया चाचा जी को, उतना चाचा जी हमारा, उतना चाचा जी के लिए मैं दुल्हन स्पेशली ढूंढ रहे हैं, वो भी डेकोरेशन के साथ, मेकअप भी लगा दिया, ऐसा नहीं कि नहीं लगा दिया है, उसके लिए दुल्हन स्पेशली ढूंढा गया है। तो देखिए दुल्हन कैसा है वो भी देख लीजिए, तो देख लिया दुल्हन कैसी है, यानी कि बारी बारी से शादी करवाना है इन लोग का, अब बारी बारी से इन लोग का, बाकी तो सुहाग होता ही है, और दुल्हन स्पेशली इसके लिए रखा गया, ओनली ऑन ऐसे से हमारा चाचा जी जो है, ताकि उदास ना भटके कहीं, इसलिए सजा के डेकोरेशन यानी सब चीज़ मेकअप के साथ भेज दिया, तो चाचा जी हमारा खुश है ना, बस बहुत है। तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल देखता है हम वीडियो नहीं कोई देख रहे हैं, तो वीडियो ज़रा से भी इंटरेस्ट लगा तो देखा, और बताओ मेरे को क्या मिस्टेक हुआ है हमसे, ताकि हम उस पर सुधार करेंगे। तो हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं आज की मजदूरी, हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, तो जय हिंद जय भारत।